बेटा ढोलू, गुड़ और पानी लेके आओ। जी बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी मेरा 98% आया, मैं पास हो गया बाबूजी। बैठो, तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। सब आपका आशीर्वाद है बाबूजी। लो पानी पियो। हाँ बेटा प्रदीप, अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? बाबूजी, हम बीटेक करना चाहते हैं। बीटेक करने के लिए शहर जाना पड़ेगा और हमारे हालात उतने अच्छे नहीं हैं कि हम शहर जाकर पढ़ाई कर सकें। हम खेती में आपका हाथ बटाना चाहते हैं और ढोलू को पढ़ाना भी चाहते हैं। हमने तुमको खेती करने के लिए यहाँ तक नहीं पढ़ाया, तुम शहर जाओगे। पैसा? पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा। मैं अभी जाके सरपंच जी से बात करता हूँ। धन्यवाद बाबूजी। गोलू, अपने माई से कुछ कहावा खाए पिए के मिली कि नहीं? और पंडित जी कैसे आना हुआ? और सरपंच जी सब ठीक बा? हाँ बढ़िया बा। और मालकिन ठीक बाटे? हाँ बढ़िया है। कैसे आना हुआ? अरे वो हमारा लड़का थोड़ा जात है प्रयागराज पढ़े। अच्छा। बीटेक करवासा है वहाँ से। अच्छा, प्रयागराज भेज दिया का पढ़े? 12वीं में इस बार होके बहुत अच्छा नंबर आवा है, जिले में टॉप की जिसे। हाँ मो लड़का बतावत रहा कि पंडित जी के लड़का पढ़े तेज बा। प्रयागराज भेज? हाँ नहीं बहुत अच्छा किया। वो बीटेक करे चाह रहा है तो हम अपन जमीन बेच दे हैं। हमारे 4.5 लाख की जमीन बिकी है। अच्छा। हमका 1 लाख रुपया घटा दे तो हम सोचा जाए सरपंच जी जाए ले ले। गोलू, अपने माई से 1 लाख रुपया लेते आवा। लिया पान खा बया? और सब बढ़िया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ निकाले तो नहीं है मसे? लिया पंडित जी, पूरा है 1 लाख रुपया। गिन लिया पूरा पैसा? अरे कहे शर्मिंदा करते हैं सरपंच जी। अरे ठीक है, लेकिन गिने के तो रखे चाहिए। 1 लाख तो बढ़िया से पहले पढ़ा लिखा, पैसा टेंशन ना लिया और जब तक हो अपन दिया। ठीक है सरपंच, चली फिर। हाँ ठीक है। हाँ बाबूजी। ओ बेटा प्रदीप। हाँ बाबूजी। तैयार हो गए? हाँ। ये लीजिए अपना सामान। ये लीजिए पैसे हैं, इसमें अपनी फीस दे देना तुम, अब मकान का किराया विराया दे देना। ठीक बाबूजी। हम जाते हैं मंदिर में जाके हम पूजा कर दें और जब जाना तो हमसे मंदिर में मिलते हुए जाना। ठीक बाबूजी। बेटा प्रदीप। हाँ बाबूजी। तुम्हारी गाड़ी होगी? हाँ बाबूजी। जाओ निकलो अब तुम।
पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, बुरी संगत से दूर रहना, ठीक है? ठीक बाबूजी। और बुरे लोगों से भी दूर रहना। ठीक बाबूजी। रे कहाँ चला उगते है? ये रूम हमें भी मिला है। रूम तो का मिला है, चलाओ चलाला बाइट आओ। सुन लाला, ये रूम जौन है पूरे हॉस्टल में ये रूम जौन है तीन जन का इलाट भा है, एक मौका, एक मोरे उस्ताद का और एक तो का। ते बहुत नसीब वाला है जो ते हम लोग के साथ रह आए है, पढ़े आए ना। चल ते जा, बहुत आगे जाबे ते टेंशन न ले, जा बैठ वहाँ पास, बैग वैग रख। हेलो। हाँ उस्ताद। अरे एक तो चेला हुआ है अपने रूम में, लौंडा पढ़े में बहुत तेज आएगा, का की इंजॉय का सोचते हो? अच्छा ओका घुमावा ले आई फिर लाई के आई थी, फिर हॉस्टल के बाहर आओ वहाँ तुम। ठीक। हाँ हाँ मामला लाए हैं। मामला क्या होता है? हैं मामला मामला? अबे का कुछ सिखाओ खाओ नहीं ना का। अरे का कुछ सिखाओ यार, इस शहर है देहात नहीं ना, यहाँ आदमी आदमी की तरह नहीं रहा समझो, यहाँ आदमी जानवर बन गया है। गांव देहात नहीं ना, अबे चश्मा उसमें का लगाए थे किधर? चूतिया बना के बैठा है, दिख नहीं रहा है कुछ। हमें रोक इधर देख, एका लगाओ। अबे ऊपर देख ऊपर, ये का पहना दिया हमका, अब लगे ना एकदम स्मार्ट, स्मार्ट लगा देने भी लग रहा है भाई एकदम से। सुन अब एक सामान ले आए, उसको लेना, उसको लेने के बाद तुमको सब की प्राप्ति हो जाएगा, चारों तरफ तुमका एकदम चको चौंग दिखाई दे, बिल्कुल हरियाली। ले पकड़ और जाए के एक बियर ले जा, सामान बहुत तगड़ा है वैसे, देख ले एक बार चेक कर ले। हाँ हाँ देख लो। तगड़ा मामला लाए उस्ताद, तगड़ा है ना, लेके आओ जल्दी। ले उस्ताद, मैं सील पैक है उस्ताद, देखो लो पियो। ये क्या उस्ताद? मैं पियो गंगा जल है। अरे पियो बाबा, हमें बर्बाद कर दियो ना होगा। हमें नया लौंडा है तो कहा गंगा जल है पिलाओ रहे का। अच्छा एक काम कर जाओ, ले जाओ हाँ तो कर जाओ। उस्ताद बड़ा तीखा था। तीखा था? अबे दिमाग खराब है क्या, मीठा था। ले उस्ताद मामला महाशय से कर दो। लाओ बाबू लाओ, बैठो 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 बैठो। हमें
तुम रखो। उस्ताद जो कल दिया रहा सुनने खातिर वही दे दो उस्ताद। अबे पैसा लगा था फिर कुछ ना मिला। लो भाई कितना चाहिए भाई? ये लो भाई सब रख लो भाई, ला सब, सब दे भाई, सब। पकड़ ले जा, कल मिले हमसे। फेंका जाता है उस्ताद, गलती हो गई। कौनो देखी चले जाबो जेल। अबे ओ कॉलेज ले जाबो भैया, सब पैसा खत्म हो गया है। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बाबूजी, 40,000 रुपए की जरूरत है। बाकी पैसों की मैंने बुक खरीद लिया है और कॉलेज की फीस भी जमा कर दी है। ठीक बाबूजी। हाँ बाबूजी, लगा दीजिए। प्रदीप प्रयागराज में है, ओका कमरा किराया दे का है और पैसा हमारे पास है नहीं। उत्ते में नहीं हो पावा रहा। 40,000 रुपया की और जरूरत है। अच्छा, अरे उसे कुछ पूछो कहाँ पैसा ऐसा देता है, कुछ पता होता है? कतौ गए हो लड़का पास अपने? नहीं सरपंच जी, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। हमका अपने लड़का के ऊपर पूरा भरोसा। लेकिन तब हूँ देखे चाहिए ना, लड़का पूछे चाहिए पैसा कहाँ देते हो, और उनके मकान मालिक से पूछ ले ना पैसा कितना कहाँ लगता है पैसा। चला सरपंच जी, तुम तो कहते हो तुम पैसा, पैसा की बात नहीं, हम पैसा तुमका दे दे। पैसा लेके आवत है तो का देते है। यह ले 40,000 रुपया है, ठीक है, और हमारे बात का ध्यान दिया। हमने लड़का दिखाई दिया था। चलो ठीक है सरपंच जी, बैंक में लगावे के पैसा हम लगाए थे। प्रदीप, आज तुमने एक बाप का भरोसा तोड़ा है। अगर तुम्हारी जैसी औलाद अगर हर बाप को घर मिलती तो हर बाप का भरोसा हर बेटे से उठ जाएगा।
बाबूजी, एक मौका दे दीजिए बाबूजी, मैं सुधर के दिखाऊंगा बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, भैया से मिल आए। बताइए बाबूजी कैसे हैं भैया? बाबूजी प्रणाम। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? आज तुम्हारी वजह से मैं समाज में सर उठा के चल नहीं सकता। बाबूजी, मैंने आपका सर झुकाया नहीं है, मैंने बल्कि आपका सर ऊंचा कर दिया है। आपके उस दिन जाने के बाद मुझे यह एहसास हो गया है कि एक गरीब बाप कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। बाबूजी, उस दिन आपके जाने के बाद इतनी मेहनत किया हूँ कि आज मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ बाबूजी। मेरे अंडर में 20 कंस्ट्रक्शंस हैं। बाबूजी, मैं अभी यहीं रह के ढोलू को पढ़ाना चाहता हूँ और आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ बाबूजी, केवल आपकी परवरिश की वजह से। आज तुमने ये चीज़ साबित कर दी कि एक बाप की परवरिश खराब नहीं होती। हाँ बाबूजी, बाबूजी ये मेरी पहली तनख्वाह, ये लीजिए सरपंच जी को दे दीजिए और ढोलू की फीस भी जमा कर दीजिएगा। बाबूजी, जो आपने ज़मीन बेच दी थी ना, मैंने उसे वापस खरीद लिया है। चलिए देख के आते हैं। चलो बेटा। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पे।